हेलो दोस्तों, आज मैं ये जो फ्यूज एलईडी है इसे आप कैसे आसानी से घर में रिपेयरिंग कर सकते हैं इसके बारे में बतलाना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए, हम लोगों के यहाँ होता क्या है कि जैसे ये वर्क करना बंद करता है हम लोग इसे फेंक देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये मैं लाइन दे रहा हूँ, ये कोई काम नहीं कर रहा है। ये भी देखिए, इस तरह से कोई वर्क नहीं कर रहा है। इसका बहुत आसान तरीका है, इसे थोड़ा सा आप प्रेस करें इस जगह, और थोड़ा सा इस पर प्रेशर करेंगे तो यहाँ से खुलेगा, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ एक किसी चाकू के हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा आप हटाएं, ये आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले इसमें हम ये जो है सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको चेक करेंगे। इसके लिए हम इसे फिर होल्डर में लगाते हैं। और इस पे डीसी सप्लाई आना चाहिए, और ये डीसी सप्लाई आता है, यहाँ हम 220 वोल्ट में इसे डायरेक्ट लगाएंगे, और इस मीटर को हमने डीसी रेंज पे ला दिया है। और यहाँ देखें आप, यहाँ ये पॉजिटिव है तो इस पर हमें पॉजिटिव सिरा डालना है, और इस पर नेगेटिव सिरा डालना है। ये करीब 120-125 वोल्ट के आसपास डीसी सप्लाई दिखा रहा है, यानी इसका पावर सप्लाई सही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम इस एलईडी के अंदर है। तो एलईडी को चेक करने के लिए हम इसे पहले पावर से आउट कर लेंगे, और ये प्रिकॉशन के साथ आपको करना है। अगर आप नए हैं तो किसी भी जानकार आदमी के सपोर्ट से ही ये काम आप करेंगे। अब इसमें हम एलईडी को वन बाय वन चेक करेंगे कि कौन सा सही है या नहीं है। इसे हम एलईडी के टेस्ट रेंज पर ले आकर रखेंगे, और फिर इस तरह से ये चेक करेंगे वन बाय वन एलईडी। अगर ये जल रहा है तो ये ठीक है, और इसी तरह से हम इसे टेस्ट करेंगे। इस तरह से आप वन बाय वन टेस्ट करते चलें। इस तरह से ये, और ये देखिए एलईडी ये ब्लो नहीं कर रहा है, ये जल नहीं रहा है। इसका अर्थ है कि ये एलईडी जो है डैमेज है। इस तरह से आप जो डैमेज है उस पर एक इंडिकेशन लगा लें कि ये एलईडी डैमेज है, फिर अगले को आप चेक करें। इस तरह से आप, ये भी ठीक है, ये एलईडी भी डैमेज है, ख़त्म हो चुका है। इस तरह से आप टेस्ट कर सकते करते हुए आगे बढ़ें। ये भी ठीक है, ये भी एलईडी ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी एलईडी कट चुका है, खत्म है। ये एलईडी ठीक है, ये ठीक है, ये हमने इंडिकेट कर लिया है कि इसमें एक दो और ये तीन एलईडी डैमेज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इस एलईडी के इस जॉइंट पर, यहाँ आप देखेंगे गौर से तो आपको नज़र आएगा कि एलईडी का एक सिरा यहाँ सोल्डरिंग किया हुआ है और दूसरा सिरा इधर सोल्डरिंग किया हुआ है। ठीक है, अब हमें इस सिरे को और इस सिरे को शॉर्ट करा देना है। हमने एक डब्बे के ऊपर ये रख दिया है कि ये आसानी से एक अच्छे स्टैंड का भी काम करेगा और ये बैलेंस भी रहेगा।
और इस तरह से हमने ये क्या किया है कि एक तार ये पतला सा ले लिया है और इसे हम सबसे पहले इधर सोल्डिंग कर लेंगे एक साइड से, और इसके दूसरे साइड से शॉर्ट करा देंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा बारीक सोल्डिंग होगा और यहाँ सोल्डिंग हम इस पॉइंट पर कर देंगे और फिर इसे इस पॉइंट पर सोल्डिंग कर देंगे। आराम से इसे इस तार को फिर काट के हम हटा लेते हैं। सोल्डिंग सही हुआ है कि नहीं हम यहाँ से फिर इसकी कंटिन्यूटी से चेक कर लेते हैं। और अब हम इसमें ये सप्लाई देंगे और देखिए ये बेहतरीन लाइट फिर आपका शुरू हो गया। और इस तरह से आप आसानी से घर के अंदर इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा टूल्स की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक सोल्डरिंग आयरन चाहिए और एक एलईडी को टेस्ट करने के लिए एक मल्टीमीटर की ज़रूरत है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करेंगे, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और भी नए टॉपिक पर इस पे वीडियो बनाऊंगा। और लाइक करना ना भूलें।